वेलकम बैक टू कंपटीशन क्लास। आज बहुत दिनों बाद ले आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हमारे दो ग्रुप मौजूद हैं। पहला ग्रुप है गर्ल्स और दूसरा ग्रुप है बॉयज। इन दोनों ग्रुपों के बीच में एक छोटी सी कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कई सारे फ्रेजेज पूछे जाएंगे। वैसे फ्रेजेज होंगे, वैसे स्पोकन वर्ड्स होंगे जो हमारी बोलचाल की भाषा के आम शब्द होते हैं। अक्सर हम अपने रोजमर्रे के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं, छोटे छोटे वाक्यांश, छोटे छोटे क्लाउजेज, छोटे छोटे वाक्य जिनको इंग्लिश करना होता है हमें। अगर इंग्लिश में उन शब्दों को हम बोले, उन वाक्यों को बोले, उन फ्रेजेस को बोले, तो फिर हमारी इंग्लिश या हमारी भाषा जो भी हो, भोजपुरी, हिंदी, बंगाली, उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसे शब्दों को जानना, ऐसे वाक्यों को जानना, ऐसे फ्रेजेस से वाकिफ होना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं ले आया हूँ आपके लिए बहुत दिनों बाद फिर से कॉम्पिटिशन। मुझे पता है कि आप कॉम्पिटिशन बहुत पसंद करते हो, आप सब लोग कॉम्पिटिशन को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हो, बहुत ही ज्यादा अडोर करते हो। तो फिर से आप सबका स्वागत है मेरे क्लिनिक क्लासेस पे। और आज की कॉम्पिटिशन है गर्ल्स और बॉयज के बीच। आज इन दोनों ग्रुप के बच्चों से स्पोकन वर्ड्स पूछे जाएंगे और देखना ये है कि इन दोनों में जीत किसकी होती है। और आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स के माध्यम में ये बताना, यानी कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे ये बताना कि जिस ग्रुप की जीत हुई है क्या उनकी परफॉर्मेंस असल में अच्छी थी, या उनमें जो परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी। फिर हारे हुए ग्रुप की भी आप मेरे को सजेस्ट करना कि हारे हुए ग्रुप की तरफ से सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है, क्योंकि मुझे आपके कॉमेंट का इंतजार रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट गेटिंग एनी लेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्पिटिशन। गर्ल्स एंड बॉयज आर प्रेजेंट हियर। Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Very good. पूरी तरह से तैयार हो सब लोग? Yes, sir. बता दोगे? Yes, sir. Very good. जीतोगे? Yes, sir. Good. बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं आप लोग। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एनर्जेटिक ही रहो और ये कॉम्पिटिशन बहुत ही कम्पेटिटिव हो, बहुत ही ज्यादा, कहने का मतलब है प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ हो। तो सबसे पहला फ्रेज जो आ रहा है वो है बॉयज के लिए। आज शुरुआत हमारी बॉयज से हो रही है और बॉयज को जो सबसे पहला वाक्यांश बताना है, मेरे शब्द, मेरे वाक्य, मेरे वाक्यांश हिंदी के होंगे और तुम लोगों के इंग्लिश के। तो सबसे पहला जो है वो है क्या मुसीबत है। अक्सर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम कहते हैं यार क्या मुसीबत है। तो क्या मुसीबत है को इंग्लिश में क्या कहोगे, कैसे कहोगे? What a bother, बिल्कुल सही जवाब आया है बॉयज ग्रुप से, what a bother, जिसका मतलब है क्या मुसीबत है। अब गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए है चुप रहिए। अक्सर जब हमें किसी की बात उतनी समझ नहीं आती या अच्छी नहीं लगती तो हम कहते हैं अब चुप भी रहिए ना। तो चुप रहिए को इंग्लिश में हम क्या कहें, चुप रहिए को इंग्लिश में हम क्या कहें? क्वीट प्लीज। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में तुम्हारी दिक्कत हुई है, वो क्वीट नहीं होता, क्वाइट होता है। पर कोई बात नहीं, जवाब तो सही है ना, क्वाइट प्लीज। क्वाइट प्लीज का मतलब है चुप रहिए। दोनों तरफ से जवाब बिल्कुल इक्वल आया है। फिर से हम बात करने जा रहे हैं बॉयज की तरफ, फिर से बॉयज की तरफ ही चल रहे हैं। और बॉयज के लिए फिर से एक और फ्रेज है और वो फ्रेज है मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो इंग्लिश में कैसे कहोगे? मुझे घर ले चलो, जोर से बोलो, टेक मी होम। टेक मी होम बिल्कुल सही जवाब है इस लड़के का। टेक मी होम का मतलब है मुझे घर ले चलो। तो जब आपको कहना होता है मुझे घर ले चलो तो आप कह सकते हो टेक मी होम, मुझे स्कूल ले चलो टेक मी स्कूल, मुझे कोचिंग ले चलो टेक मी कोचिंग, मुझे प्ले ग्राउंड ले चलो टेक मी प्ले ग्राउंड। ऐसे कई फ्रेजेज आप बना सकते हो। अब बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स की तरफ फिर से एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कितने दुख की बात है। जब कोई ऐसी बात हम सुनते हैं, सुन के ऐसा लगता है कि यार ये तो वाकई में बहुत दुख की बात है, तो अचानक हमारे मुख से निकलता है कितने दुख की बात है, इसे इंग्लिश में कैसे कहें? What a pity, बिल्कुल सही जवाब आया है इस लड़की का, what a pity, कितने दुख की बात है। अभी तक तो बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन चल रही है बॉयज और गर्ल्स के बीच, ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी की भी तैयारी कमजोर है, वीक है, लेकिन देखना है आगे तक कि वाकई में किसकी कमजोरी पकड़ी जाती है और किसकी मजबूती यहाँ पे प्रमाणित होती है। तो अगला क्वेश्चन फिर से है बॉयज के लिए और बॉयज को बताना है। बॉयज के लिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो है थोड़ी देर के लिए। अक्सर वो बोलते हैं ना मैं आपकी बाइक ले जा रहा हूँ, सामने वाला पूछता है कितनी देर के लिए, और हमारा जवाब आता है थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर को इंग्लिश में हम क्या कहें? थोड़ी देर के लिए। बॉयज कम ऑन,
अभी तक सब ठीक चलता आया है? थोड़ी देर के लिए इंग्लिश में कैसे कहें? For a while. For a while. उसे for नहीं कहते, for. For means चार होता है. For a while का मतलब है थोड़ी देर के लिए. तो बिल्कुल सही जवाब है. गर्ल्स की बात करते हैं और गर्ल्स के लिए क्वेश्चंस है, मुझे जगा दे. अक्सर हमें कहीं जाना होता है और हमें लगता है कि मैं समय पे नहीं उठ पाऊंगा, तो हम कहते हैं ना कि मुझे जगा देना. तो मुझे जगा देना, इसे इंग्लिश में हम क्या कहें और कैसे कहें? Wake me up. Wake me up, बिल्कुल सही जवाब. अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी की तैयारी कमजोर है, लेकिन देखते हैं आगे होता है क्या. फिर से बॉयज का क्वेश्चन है और बॉयज को बताना है क्या करूं जब कुछ समझ नहीं आता है. तो हम सजेस्ट करते हैं अपने आप को कि क्या करूं मैं. What to do. What to do, बिल्कुल सही जवाब है. क्या करूं, what to do. कहां जाऊं जब कोई ऐसा नहीं मिल रहा होता है, कोई ऐसा कहने का मतलब है कोई ऐसा उपाय नहीं सुझ रहा होता है कि कहां जाकर के मैं इस चीज का हल करूं. तो हम पूछते हैं कहां जाऊं, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहें? कहां जाऊं? Where to go. Where to go, बिल्कुल सही जवाब है. फिर से बॉयज के लिए जरा मैं पेजेस पलट लूं. ये नोटबुक्स मुझे इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि ऐसे में ध्यान नहीं आता ना कि क्या पूछना और क्या नहीं पूछना. अगला फ्रेज जो है वो है बॉयज के लिए फिर से और क्वेश्चन है ये लो मैं आ गया. याद सके ना मैं आ गया, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहें? Here I am. सही जवाब है इस लड़के के द्वारा. Here I am. लो मैं आ गया. अगला क्वेश्चन है सब ठीक है. जब कोई हाल चाल पूछता है तो हमारा जवाब होता है सब ठीक है. तो सब ठीक है को हम इंग्लिश में क्या कहें? All is well. बिल्कुल सही जवाब, all is well. Have a seat. फिर से बॉयज को बताना है जब कोई चीज खुली रहती है तो हम कहते हैं इसे ढक दो नहीं तो कुछ बढ़ जाएगा. तो इसे ढक दो इंग्लिश में कैसे कहें? Cover it up. सही जवाब, कवर इट अप, इसे ढक दो. फिर से गर्ल्स के लिए और गर्ल्स को बताना है जरूरत नहीं या फिर कोई जरूरत नहीं. मैं आपकी मदद कर दूं, कोई जरूरत नहीं. मैं आपको पैसे दे दूं, कोई जरूरत नहीं. तो कोई जरूरत नहीं पर इंग्लिश में हम क्या कहें? नो नीड. बिल्कुल सही जवाब है, नो नीड. कोई जरूरत नहीं. अभी तक तो थक तो गया मैं पूछते पूछते, लेकिन अभी तक जवाब देने वाले नहीं थके. ऐसा ही होना चाहिए, कॉम्पिटिशन ऐसा ही होना चाहिए. अभी तक बराबरी का सब चल रहा है, लेकिन देखना है कि आगे क्या होता है. और अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए फिर से कतार में लग जाओ. कतार में लग जाओ, अक्सर लोग कहीं पे सार्वजनिक जगह पे जाते हैं और कभी कभी लाइनें तोड़ देते हैं, कतार तोड़ देते हैं. तो कोई आकर एडवाइस देता है अरे कतार में लग जाओ सबका काम हो जाएगा. तो कतार में लग जाओ को हम क्या कहें? गेट इन लाइन. बिल्कुल सही जवाब, गेट इन लाइन. गर्ल्स, गर्ल्स को बताना है सिक्का उछालो. जब मैच वैच की सब तैयारी हो गई रहती है, मैच की तैयारी हो गई रहती है और हम कहते हैं कि अब देर किस बात की है, अरे सिक्का उछालो ना. तो सिक्का उछालो इसे हम कैसे कहें? फ्लिप ए कॉइन. या डायरेक्टली हम टॉस भी कह सकते हैं, लेकिन फ्लिप ए कॉइन पर ऐसा वाक्यांश से भरा हुआ होगा. अगला क्वेश्चन फिर से बॉयज के लिए है मेरा विश्वास करो. विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा विश्वास करो. जस्ट वन मिनट, तुम ही बताओ. बिलीव मी. या दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो? ट्रस्ट मी. बिल्कुल सही जवाब है, मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो, मेरा भरोसा करो. आप दो तरीके से कह सकते हो, ट्रस्ट मी या बिलीव मी. गर्ल्स, गर्ल्स को बताना है जरा रुकना. मैं दो मिनट में आया, जरा रुकना. इसे हम इंग्लिश में कैसे कहें? जरा रुकना. Just hold on. जवाब बिल्कुल सही है. Just hold on. Boys. Boys को बताना है धीरे धीरे कहने का मतलब है धीरे करो या धीरे चलो. तीन तीन स्टूडेंट्स करे हो रहे हैं, आसान है इसलिए कोई बात नहीं. तुम ही बताओ. Slow down. धीरे करो या धीरे चलो, लेकिन खास कर ये धीरे करो के सेंस में है, स्लो डाउन. अगला क्वेश्चन गर्ल्स को जाता है और गर्ल्स को बताना है घुटने पर बैठ जाओ. घुटने पर बैठ जाओ को इंग्लिश में हम क्या कहें? प्लेट डाउन. स्पेलिंग प्लेट की बताओ. तुम्हारा जवाब
क्या गलत है। अब गलती क्यों हुई है? गलती होने का कारण है या तो इस लड़की ने गलत लिख लिया हो या गलत याद कर लिया हो। पर यहां तो कुछ ऐसा नहीं चलने वाला, कॉम्पिटिशन है ना। अब अगर यही बॉयज का अगर सही जवाब आ जाए तो फिर बॉयज को प्लस और गर्ल्स को एक माइनस। तो बॉयज प्लस चाहते हो तो इसे सही से करेक्टिफाई कर दो जरा। करेक्टिफाई दोनों करोगे? डिसाइड कर लो कौन करेगा। ओके, स्पेलिंग KNEEL, नील। नील मतलब होता है घुटने पर, है ना, या घुटने के सहारे। और नील डाउन यानी घुटने के सहारे बैठ जाओ, घुटने के सहारे बैठ जाओ। इस लड़की की एक छोटी सी गलती नीड बोलने की वजह से, इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, जो भी बोले सोच के बोले, सोच समझ के बोले, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमें पराजय करा सकती है, हमें हरवा सकती है। पर कोई बात नहीं, गलतियां तो होती ही हैं और गलतियां तो इंसान से होती है। पर आगे से मैं इन लड़कियों को कहना चाहूं कि थोड़ा सोच समझ के तो आगे बढ़ते हैं। और इस बार अब गर्ल्स की तरफ से चलूंगा, क्योंकि माइनस जिधर हो जाए उधर से टर्निंग शुरू हो जाती है। तो इस बार का पहला क्वेश्चन गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स को बता रहा है जोर से पकड़ना, है ना, जब डर लग रहा होता है कहीं छोर ना दे, हम कहते हैं जोर से पकड़ना। होल्ड ऑन टाइट, सही जवाब आया है, होल्ड ऑन टाइट, जोर से पकड़ना। फिर से बॉयज के लिए जो क्वेश्चन है वो है, मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा, तो मेरे कहने का मतलब है I mean to say, सही जवाब है I mean to say, मेरे कहने का मतलब है। अब क्या कहने का मतलब है पता नहीं, लेकिन I mean to say। अगला क्वेश्चन है, इसे वापस ले लो, इसे वापस ले लो, गर्ल्स के इसे वापस ले लो, जस्ट वन मिनट, टेक इट बैक, सही जवाब है, टेक इट बैक, इसे वापस ले लो, बैठ जाओ। बॉयज के लिए, और कड़ी मेहनत करो। होता क्या है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन मनचाहा मार्क्स नहीं आता, तो सामने वाले का एडवाइस होता है और कड़ी मेहनत करो। इंग्लिश में कैसे कहें, वर्क हार्डर, बिल्कुल सही जवाब है, वर्क हार्डर, और कड़ी मेहनत करो, जितनी तुमने की थी वो कम था। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, दिलासा दो उसे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, अपसेट हो जाता है, तो उसे हम मनाते हैं, जाकर उसे हम मनाते हैं, दिलासा देते हैं, तो उसे दिलासा दो, कैसे कहें, कंसोल हर, जवाब बिल्कुल सही है, कंसोल हर, क्योंकि कंसोल मींस होता है संतावना देना, दिलासा देना। अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए, और फिर से बॉयज रेडी हो तुम लोग? यस सर। और क्वेश्चन है, आज नहीं तो कल, अरे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अर्थात या फिर मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो क्या होगा, आज नहीं तो कल लग ही जाएगी, तो आज नहीं तो कल को क्या कहें, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, या फिर कभी ना कभी, एब्सेंट। अगला क्वेश्चन जाता है फिर से गर्ल्स को, और गर्ल्स को बताना है फोन मत काटना, अभी और बातें करनी है, जस्ट वन मिनट, इस बार चांदनी को मौका दे दिया गया, फोन मत काटना, डोंट हैंग अप, फोन मत काटना। आप जानते हो कि फोन काटने को हैंग अप बोला जाता है, फोन उठाने को, तो आप जानते हो रिसीव भी लोग कहते हैं, यहाँ तक कि आंसर भी लोग कहते हैं, या उठाना भी कहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि आप रिसीव कहें, आप उसे वो क्या कहते हैं, रिसीव कहें, और काटने की बात हो तो आप हैंग अप कह सकते हैं, लगाने की बात हो कनेक्ट भी आप कह सकते हो, कई सारे वर्ड है, लेकिन उठाना रखना ये थोड़ा सा फोन वाला सिस्टम आ जाता है ना, टेलीफोन वाला। खैर कोई बात नहीं, हम आते हैं मुद्दे पे, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा गर्ल्स नहीं बॉयज के लिए, और बॉयज को बताना है जल्दी जल्दी करो, शाम हो रही है, जल्दी जल्दी करो, स्पीड अप, सही जवाब है स्पीड अप, जल्दी जल्दी करो वरना शाम हो जाएगी, फिर हमें जाने में भी दिक्कत होगी, तो जल्दी जल्दी करो को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड अप। अगला क्वेश्चन है, मनाओ उसे, रूठ गया है या रूठ गई है, मनाओ उसे, इंग्लिश में कैसे कहें, मनाओ उसे, कैजोल हर, बिल्कुल सही जवाब है, कैजोल मींस होता है फुसलाना, मनाना, राजी कराना।
तो कैजोल हर का मतलब है मनाओ उसे, अगर पुरुष होगा तो कैजोल हिम, ऐसा कहेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज जरा मैं टर्न कर लूं। अगला क्वेश्चन है बॉयज के लिए और बॉयज को बताना है, नाराज हो, खफा हो, बोल नहीं रहे मुझसे, क्या दिक्कत है? तो नाराज हो खफा हो तो हम क्या कहें? Are you angry? बिल्कुल सही जवाब है। कोई दूसरा तरीका भी बता सकते हो, कोई बात नहीं, आर यू एंग्री सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है गर्ल्स के लिए, थोड़ी देर ठहरो, बस थोड़ी देर, अभी आया मैं, थोड़ी देर ठहरो इंग्लिश में कैसे कहें? थोड़ी देर ठहरो, कम ऑन, थोड़ी देर ठहरो। लगता है फिर से माइनस होगा। प्लीज वेट, प्लीज वेट से काम चलाया जा सकता है, लेकिन मैंने जो चीज पढ़ाई है वो तो नहीं हुई ना। अगर ये चीज बॉयज बता दें तब तो प्लस होगा ही। तो बॉयज से मैं कहना चाहूं कि थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अगर तुम्हारी भी गलती हो गई तो ये जो प्लस आने को है ना वो नहीं आ पाएगा। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा बॉयज का, तो बॉयज ओके, बॉयज थोड़ी देर ठहरो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? थोड़ी देर ठहरो। शायद वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, नहीं बता पाओगे? कमाओ, कोशिश तो कर लो। कीप सिटिंग, कीप सिटिंग तो मतलब है बैठे रहो, यहाँ थोड़ी देर ठहरने की बात हो रही है। डजंट मैटर, ना गर्ल्स बता पाई ना बॉयज बता पाए, इसका सही उत्तर तो अब मुझे ही बताना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है स्टे अ वाइल, स्टे अ वाइल, अ वाइल मींस थोड़ी देर होता है। खैर कोई बात नहीं, हमारे कुछ ही क्वेश्चंस और आने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, यू कैन सी, तो दो ही चार क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो भी एक क्वेश्चंस आ रहे हैं कोशिश करो कि हम अच्छे से बता पाएं। बॉयज अभी एक पॉइंट के साथ है और गर्ल्स एक माइनस पॉइंट के साथ, तो गर्ल्स को जरूरत है या तो उसे ड्रॉ कराने की या फिर लगातार दो प्लस करने की ताकि जीत हो सके। और बॉयज, बॉयज को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक प्लस जो है कम से कम दो ना हो तो कटे भी नहीं। अगला क्वेश्चन, और बॉयज को बताना है, बॉयज को बताना है एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, क्योंकि माइनस कहीं नहीं हुआ था, इधर से चल रहा था ना उसने, तो बॉयज की बारी है। अरे बारी जिसकी भी हो, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, कटना तो तरबूज को ही है ना, तो बॉयज को ये बताना है एक बार करके तो देखो, इंग्लिश में कैसे कहोगे? एक बार करके तो देखो, एक बार करके तो देखो। Perhaps no any answer towards boys. Doesn't matter. Girls, एक बार करके तो देखो। Take a chance, सही जवाब है। मुझे तो लग रहा था कि इस बार इक्वल होगा, लेकिन इस बार गर्ल्स को मिलता है प्लस पॉइंट और बॉयज को माइनस, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। कोई बात नहीं, दो तीन मिनट की और ये क्वेश्चंस हैं, अब देखते हैं प्लस किसका हो पाता है। तो बस दो या चार क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन बॉयज को जाता है, बैठो, अगला क्वेश्चन बॉयज को जाता है और बॉयज को बताना है इसे भूल जाओ, क्यों याद करते हो? जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, अब पछताप क्या होता है? जब चिड़िया चुन गई थे तो भूल जाने से क्या कहोगे इंग्लिश में? फॉरगेट इट, सही जवाब है, भूल जाओ इसे। अगला क्वेश्चन आ रहा है गर्ल्स के लिए, खुद ही देख लो, यकीन नहीं कर रहा, अरे खुद ही देख लो, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सी फॉर योरसेल्फ, सही जवाब है, सी फॉर योरसेल्फ। फिर से अगला क्वेश्चन है बॉयज के लिए और बॉयज को बताना है और चाहिए, इंग्लिश में कैसे कहें? वांट मोर, वांट मोर, या एक और तरीका, कोई बात नहीं, वांट मोर या नीड मोर, और चाहिए नेवर से। बॉयज के बाद गर्ल्स के, और गर्ल्स को बताना है इसे लिख लो, कोई चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है तो हम कहते हैं कि इसे नोट कर लो, लिख लो, तो इंग्लिश में कैसे कहें इसे लिख लो? नोट दिस डाउन या राइट दिस डाउन भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। वीडियो लंबी हो जाएगी और गर्ल्स और बॉयज के बीच जिस प्रकार से एकदम करक कंपटीशन हो रही थी ना,
अगर इसको मैं आधे घंटे तक ले जाऊं तो शायद ये निष्कर्ष निकल पाए कि विच इज, मैं मतलब है हु इज बेटर। बट वीडियो लंबी होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा और इसके आगे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिर से बॉयज और गर्ल्स के बीच, और आप लोग भी इंतजार में रहना कि उस पार्ट में जीत किसकी होती है। वैसे तो इस पार्ट में दोनों इक्वल हुए, बॉयज पहले प्लस पॉइंट पे थे लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण ये माइनस हो गए और फिर से दोनों के दोनों ग्रुप को इक्वल होना पड़ा, मतलब बराबर होना पड़ा। अगला पार्ट तुरंत ही आने को है 2 या 3 दिनों के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप अगले पार्ट का इंतजार जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे ये बताओगे कि जीत तो किसी की नहीं हुई लेकिन बॉयज में आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस लड़के का लगा, है ना। वैसे आप नाम तो नहीं जानते हो लेकिन जो लड़के लोग बोल रहे थे उनको मैं एक बार परिचित करा दूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। खड़े हो जाओ। ये लड़का है किशन, इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? या फिर वो लड़का सलामत, इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा? या एक दो लोगों ने और प्रदर्शन दिया था, शायद ये लड़का एक दो बार बोला था, क्या नाम है? सुधीर। या फिर सुधीर का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा? या फिर ये लड़का है, तुम बैठ सकते हो, मुर्शिद। या फिर इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना इनमें से किसने सबसे ज्यादा बोले, यानी सेंटेंसेस। अब गर्ल्स की बात करें वैसे तो गर्ल्स को एक बार इंट्रोड्यूस आपको मैं करा दूं। अगर आपको लगता है कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था तो इन लड़कियों के नाम भी मैं आपको बता दूं कि किसने क्या क्या बोला क्या क्या नहीं बोला। ये लड़की जिसका नाम है नेहा प्रवीण, इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा आप मुझे बताना। या फिर गर्ल्स में एक ही बताना है क्योंकि पूरे बॉयज और पूरे गर्ल्स में आपको निकालना एक को है, आपको जज करना है, ठीक है, आपको डिसीजन लेना है। दूसरे की बात करें तो एक है नेहा कुमारी, है ना, नेहा कुमारी। ये नेहा कुमारी है, इसने कैसा किया परफॉर्मेंस ये भी आप बता सकते हो। गर्ल्स की तरफ से नीतू ने भी कुछ क्वेश्चन कवर किए, ये लड़की नीतू है, है ना। या फिर इधर से देखा जाए तो नंदिनी है ये लड़की, है ना, इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है वैसे। या फिर ये लड़की एक दो बार बताई चांदनी, खड़ी हो जाओ चांदनी। तो आप लोगों को देखना ये है कि परफॉर्मेंस किसने किस हद तक किया है, हार जीत तो हुई नहीं, कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।